ईएनबीए अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कदम ये है कि केजरीवाल को चैलेंज है मेरा कि अभी पार्टी शुरू हुई है, अब तजेंद्र था, अब तजेंद्र का बाप भी आएगा। भारत माता की जय। दिल्ली पुलिस ने जो हमारा सहयोग किया है, दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कंप्लेंट की एफआईआर हुई है? आपकी कंप्लेंट की एफआईआर हुई है? जी जी, मैंने कंप्लेंट की है, एफआईआर हुई है और मेरा मेडिकल भी हुआ है। सारी साइट देखिए, मेडिकल में मुझे जो चोटें आई हैं वो भी दिखाई गई हैं, वो सारी आपको ये पुलिस दिखा सकती है। आपने कंप्लेंट क्या बोला था भाई? मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बाहर मैं निकला तो कम से कम 15 गाड़ियां थी जी। अरे पंजाब पुलिस का कहना था कि उन्होंने सारे नियमों को फॉलो किया। पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्होंने सारे नियमों को फॉलो किया है गिरफ्तारी। क्या क्या किया नियमों को जी? क्या मैंने घर में घुस के घसीट कर ले जाना, ये नियम में किस नियम में बताइए? उनका ही कहना था। उनका कहना है पगड़ी नहीं पहने दी तजिंदर को, पगड़ी नहीं पहने दी। हम सिख परिवार से आते हैं, सर पे कपड़ा रखे पर बिना घर के बाहर नहीं जाते हैं, वो घसीट के बाहर ले गए, वो चिल्लाता रहा मेरे को सर पे कपड़ा रख लेने दो, बांध लेने दो, उन्होंने एक नहीं सुनी। और बाद में आपने देखा होगा उसने पगड़ पहना रखा है, तजेंद्र की जितनी फोटो में देख लो वैसी पगड़ी तजेंद्र की नहीं है कोई भी। आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि केजरीवाल को चैलेंज है मेरा कि अभी पार्टी शुरू हुई है, अब तजेंद्र था, अब तजेंद्र का बाप भी आएगा। भारत माता की जय। आपका मोबाइल भी छीना, मोबाइल पुलिस के पास है। बात बता दी, सुबह से क्या हुआ, आप लोग सो रहे थे कैसे, वो पूरी बात कितने बाद सुबह से नहीं, 8:30 का समय था, हम लोग जगे थे, तजेंद्र की मम्मी घर में मैं और वो दोनों आदमी थे। तजेंद्र के लिए मैं चाय बनाने लगा, इतने में दरवाजा खुला, पहले दो आदमी घुसे, उसको हम लोग बात कर रहे थे तो इतने में धड़ा करके 10-15 आदमी अंदर आ गए, उन्होंने फिर इसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, हमें मौका नहीं दिया। और तजेंद्र ने इतना कहा कि चलो ठीक है तुम ले चलो, लेकिन मेरे को कपड़ा बांध दे दो, सर पे कपड़ा बांध दे दो, उसने कपड़ा बांधने का मौका नहीं दिया, यहाँ से खींच के ले गए, वो बाहर ले गए, बाहर उसके बाद मैं भी निकला, मेरा इस बीच में उन्होंने मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल छीनने के साथ मोबाइल जिसमें मैं उसकी वीडियो बनाने लगा, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह के ऊपर पंच मारा, मेरे गले के ऊपर झटका दिए, फिर मेरे को बिठाया, इसके बारे में मैंने रिपोर्ट लिखाई। बग्गा साहब शिकायत में आपने क्या दिया है दिल्ली पुलिस को, शिकायत में किस तरह का लिख दिया, अपहरण लूटपाट क्या दिया? यही बात जो इन्होंने बोली है वही बताई है, पूरी की पूरी कंप्लेंट में दी है। मैंने जो दी है यही दिया है। अच्छा ये बताइए, पंजाब पुलिस का कहना है कि 5 बार तेजिंदर को नोटिस दिया गया था शामिल होने के लिए, समन किया गया था, तो क्या मिले थे? उसके बारे में तेजिंदर बता सकता है, मेरा राजनीतिक लिंक नहीं है। आगे पंजाब के साथी है तो सहयोग करेंगे आप लोग, अब पंजाब पुलिस से भी हम लोग कोर्ट में बात करेंगे। सर आपकी बात हुई क्या आपके बेटे से? बेटे से बात हुई नहीं, बातचीत नहीं हुई है। इतना पता लगा है कि बेटा वहाँ हरियाणा पुलिस के पास है।